हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, फीवर आ रहा था। अभी सीजनली वेदर ऐसा चल रहा है कि तबीयत सबका बहुत ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को सब अच्छे से केयर करें, अच्छे से रखें बच्चों लोग को, बारिश में बिल्कुल भीगने ना दे। अभी जो मौसम चल रहा है ठंडा गर्म का, इससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से केयर करें। वो लोग को बीच बीच में लहसुन और तेल का गर्म कर, मतलब लहसुन और तेल को गर्म करके हल्का हल्का रात को सोने के टाइम पैरों और हाथों में मालिश कर दे, ताकि इसमें बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और बच्चे अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बनाते हैं कुकर बिरयानी। ठीक है, कुकर बिरयानी जैसे कि मतलब प्लेन, कुछ भी सब्जी वगैरह नहीं, वेज बिरयानी बोलेंगे उसको। तो आज हम लोग बनाएंगे कुकर बिरयानी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, आज वेज बिरयानी में मैं आज वेज ही बनाऊँगी क्योंकि नॉनवेज तो अभी चलेगा नहीं, सावन का महीना चल रहा है, तो हम लोग भेज से ही स्टार्ट करते हैं बनाना। बाकी आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो डालूंगी, तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वेज बिरयानी, कुकर बिरयानी बनाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ली हूँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, काली मिर्च, हरी मिर्च, तेजपत्ता और प्याज। मैं इसको अच्छे से इसका पाउडर बना लूँगी तीनों को, और पाउडर बनाने के बाद इसको कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे बिरयानी। और यहाँ पर दोस्तों मैं राइस ली हूँ, बासमती राइस आधा किलो है, तो इसको हम मैं थोड़ा सा पानी में इसको 10 मिनट के लिए भिंगोने के लिए दे दूँगी। तो दोस्तों मैं इसको कूट ली हूँ अच्छे से, पाउडर बना ली हूँ इसका। अब मैं कुकर चढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुकर चढ़ा ली हूँ। तो दोस्तों कुकर गर्म हो चुकी है, मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों यहाँ ऑयल गर्म हो चुकी है, तो पहले मैं डालूँगी मसाले। मैंने रेडी कर लिए हैं प्याज और तेजपत्ता और ये जो कूटे हुए मसाले हैं जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और छोटी लौंग और सॉरी ये छोटी इलायची और बड़ी लौंग और लौंग, ये सब डाला हुआ है इसमें कूट के। तो मैं अब यहाँ डालने जा रही हूँ इसको ऑयल में। पहले डालेंगे तेजपत्ता, उसके बाद कूटे हुए मसाले, इसके बाद प्याज और मिर्च को डाल देना है। फिर चावल को धो ले। तो दोस्तों प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम लोग राइस को इसमें डाल देंगे। अब हम लोग इसको चला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
मैं डालती हूँ। थोड़ा सा अगर आपको कलर लाना है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं। और कोई भी सब्जी मसाला, बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला डालेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर दें। अब दोस्तों इसमें पानी ऐड करें, पानी आपको चावल से हाफ उंगली ऊपर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मात्रा अनुसार ही चावल डाले, पानी डालें। चावल से एक उंगली ऊपर। अब इसको बंद कर देंगे, अब इसका ढक्कन को बंद कर दें। ओनली इसमें तीन सीटी लगाना है, तीन सीटी से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें लग चुकी है तीन सीटी, अब हम लोग बंद कर देंगे इंडक्शन को। उसके बाद इसको आप गैस, कुकर का गैस ख़त्म होने तक इसको ना खोलें, ऐसे ही रहने दें। दोस्तों जब तक ये ख़त्म हो रही है, इसके गैस ख़त्म हो गए, तब तक आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अब हम लोग इसको, इसका ख़त्म हो जाने के बाद इसको खोलेंगे। तो दोस्तों बिरयानी बन चुकी है, अब हम लोग कुकर को खोलते हैं। ये देखिए, चिपकी नहीं है, अच्छी बनी है बिरयानी। तो दोस्तों मेरी बिरयानी बन चुकी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। दोस्तों इसको आप घर में आराम से बना के खा सकते हैं, और अगर आप इसको घर में बना लेंगे अच्छे से ना, तो होटल का भूल जाएंगे खाने के लिए, बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। इसको आप प्याज सलाद जो भी लेके अपना बिरयानी खा सकते हैं। तो ये मेरी बिरयानी बन चुकी है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और चिपकी भी नहीं है, बहुत अच्छी, मतलब एक एक करके दिख रहा है, बहुत टेस्टी बनती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं खाने के लिए कि मम्मी जल्दी दो, मम्मी जल्दी दो, तो मैं जा रही हूँ लोगों को देने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।